राधे सागर जी, प्रमोद जी, दीना मौर्या जी, गुंजन जी, अमरनाथ प्रजापति जी, डॉक्टर सत्या दुबे, सर्वेश पाटिल जी, रचना चंद्रा जी, करवार जी, और इस सभागार में उपस्थित सम्मानित बंधुओं, एक पाकिस्तानी शायर ने लिखा है, किसान धरे हर पंछी को घर जाना पड़ता है, सांझ धरे हर पंछी को घर जाना पड़ता है, कौन चाहता है वरना बस सबको मर जाना पड़ता है। मृत्यु एक शाश्वत विधा है, सबको मरना है, लेकिन इस मृत्यु की कीमत कुछ लोगों की मृत्यु की कीमत रूई के पाना के समान होती है, और कुछ लोगों की मृत्यु की कीमत हिमालय पर्वत जैसी होती है। पारसनाथ मौर्य जी उसी परंपरा के व्यक्ति थे, और आज ये जो अंबेडकर महासभा है, निश्चित रूप से वे न होते तो शायद इसका आकार इस प्रकार से न होता। मुझे याद है 90-91 में जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जन्म शताब्दी बरसाया, तो उस समय के उत्तर प्रदेश के जो टॉप ब्यूरोक्रेट्स थे, देवी दयाल जी, चंद्रपाल जी, हरीश चंद्रा जी, छोटेलाल डी आई जी, एस पी आर्या, रामकृष्ण जी, एच डी बांगला जी, ये सारे लोग रिचारदास पार्क स्थित बुद्ध विहार में बंते प्रज्ञानंद जी की अध्यक्षता में इकट्ठे हुए, और इन लोगों ने तय किया कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जन्म शताब्दी वर्ष उत्तर प्रदेश में धूमधाम से मनाया जाए, और उसके लिए एक शताब्दी समारोह समिति का गठन हुआ। मैं भी उस बैठक में था, और उसके गठन के बाद उसकी मीटिंगें जब शुरू हुई तो ये तय किया गया कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम से परमानेंट संस्था होनी चाहिए, जो कि मुख्य रूप से दलितों की समस्याओं को हल करे, उनके उत्पीड़न के प्रकरण को देखे, और वहीं पे उसमें डॉक्टर दाऊ जी मुक्त भी थे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर महासभा को बनाए जाने का निर्णय लिया, और देवी दयाल जी का प्रस्ताव था कि महासभा को चलाने के लिए पारसनाथ मौर्य जी को बुलाया जाए। उस समय पारसनाथ मौर्य जी एक बड़े नाम हुआ करते थे, उनको बुलाया गया। तब तक मुलायम सिंह प्रदेश में मुख्यमंत्री बन चुके थे, देवी दयाल जी उस समय सचिवालय प्रशासन के सचिव थे, और रामकृष्णा जी उस समय प्रमुख सचिव लोक निर्माण थे। देवी दयाल जी ने कहा कि एक कार्यालय अंबेडकर महासभा के लिए होना चाहिए, और इसकी जी बात करने मुख्यमंत्री से बात करने के लिए जिम्मेदारी दी गई पारसनाथ मौर्य जी को। देवी दयाल जी ने भी मुख्यमंत्री जी से बात की, और इसके बाद हम लोग सब मिल करके मुलायम सिंह यादव जी से मिले। उस समय मुलायम सिंह दलितों के बहुत बड़े मित्र हुआ करते थे, और कभी कोई बात टालते नहीं थे। अंबेडकर महासभा स्थापित हुई, और पारसनाथ मौर्य जी को
क्योंकि अम्बेडकर महासभा के बाइलाज में महामंत्री को ही सर्वाधिकार होते हैं, इसलिए उनको प्रथम महामंत्री यहाँ पर नियुक्त किया गया है। और फिर अम्बेडकर महासभा का कारवां चलना शुरू हुआ, जैसा कि हमारे साथी ने बताया। इसी दौरान ये जो विधानसभा मार्ग है उसका नाम बदल करके बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मार्ग किया गया। सचिवालय के तिलक हाल में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का चयन चित्र लगाया गया। अम्बेडकर ग्राम विकास योजना की शुरुआत की गई और भी तमाम योजनाएं और कार्य हुए डॉक्टर अम्बेडकर के ऊपर। परसनाथ मौर्य जी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मिशन के जावां सिपाही थे। उनके दिमाग की ये उपज थी कि अम्बेडकर महासभा में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की अस्थियां स्थापित की जाए। अब प्रश्न यह था कि अस्थियां आए कहां से। तय हुआ कि भाई साहब डॉक्टर सविता अम्बेडकर से संपर्क किया जाए। भाई साहब डॉक्टर सविता अम्बेडकर जी से संवाद हुआ और वो अस्थियां यहां आई और उसको डॉक्टर सविता अम्बेडकर, डॉक्टर दाऊ जी को, बंते प्रज्ञानंद जी, माननीय परसनाथ मौर्य जी और मैं स्वयं पांच लोगों ने मिलकर के बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की पवित्र अस्थियों को यहां पर स्थापित किया गया। और जब अस्थियां स्थापित हुई तो फिर बड़े लोगों का आना जाना शुरू हुआ कि आज नारायणन साहब यहां आए, राष्ट्रपति, उस समय उपराष्ट्रपति थे, भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रामास्वामी जी आए उस समय, भारत के गृह मंत्री आए यहां पर और अंबेडकर महासभा ने दलितों के पक्ष में जितना निर्णय नहीं लिया उससे बड़ा निर्णय पिछड़े वर्गों के पक्ष में हम लोगों ने लिया। और उसका कारण यह था, उसका उद्देश्य यह था कि दलितों पिछड़ों में एकता कायम हो। मंडल आयोग 6 दिसंबर 1993 को यहीं से लागू हुआ और 1996 में अर्जुन सिंह जी केंद्रीय मंत्री थे, मानव संसाधन मंत्री, उन्होंने घोषणा की कि आज से पूरे देश में पिछड़े वर्गों को उच्च शिक्षा में आरक्षण मिलेगा। इस प्रकार एक आरवा बढ़ता रहा, तमाम मुख्यमंत्री आए, राज्यपाल आए, मुख्यमंत्री जी मुलायम सिंह यादव जी ने इसे 1000 रुपये वार्षिक किराए पर आवंटित किया था। जब उनकी सरकार बर्खास्त हो गई तो राज्यपाल मोतीलाल वोरा जी आए और उन्होंने फिर इसको 90 साल के लिए 1 रुपये वार्षिक लीज पर अंबेडकर महासभा का आवंटन किया। इस दौरान हम लोग मिलकर के माननीय परसनाथ मौर्य जी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को लेकर के बड़े संवेदनशील हुआ करते थे। मुलायम सिंह यादव जी की पार्टी में थे, उनके प्रदेश के महामंत्री थे। मुलायम सिंह यादव जी ने उन्हें 2 बार राज्य मंत्री का दर्जा दिया, कुक्कुट पालन विभाग, पशुपालन, पशुपालन, कुक्कुट पालन निगम था तो उसका चेयरमैन बनाया।
लेकिन और आगे उनका प्रमोशन मात्र इसलिए नहीं हो पाया कि वो अंबेडकरी मिशन के व्यक्ति थे और अंबेडकर पर कोई टिप्पणी बर्दाश्त नहीं कर पाते। समाजवादी पार्टी छोड़ने का सबसे बड़ा जो कारण था, उन्होंने अपने कैरियर को दांव पे लगाकर मुलायम सिंह यादव को जवाब दिया था। प्रदेश समाजवादी पार्टी के कार्यकारिणी की बैठक हो रही थी, प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक, और मौर्य जी की जहां आदत थी यहां भी बैठते थे और अंबेडकर का उल्लेख जरूर करते थे और उस समय वे अंबेडकर के बारे में कुछ बोल रहे थे। तो मुलायम सिंह यादव ने क्या कहा, क्या अंबेडकर अंबेडकर लगाए रहते वर्ष में। एक वो दिन था कि पारसनाथ मौर्य जी उठ खड़े हुए और उन्होंने कहा कि मैं अंबेडकर के लिए राजनीति भी छोड़ सकता हूँ। वे वापस आए यहाँ कार्यालय में वो स्थायी रूप से रहते भी थे यहाँ पर, और उन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़ दी। निश्चित रूप से जानिए, उत्तर प्रदेश में कांशीराम जी ने जो सफलता प्राप्त की उसके पीछे बहुत बड़ा योगदान था डॉक्टर छेदीलाल साथी का, माननीय पारसनाथ मौर्य जी का, और भी ढेर सारे रिपब्लिकन पार्टी के लोग थे जिन्होंने 70-80 के दशक में रिपब्लिकन पार्टी के पक्ष में एक बड़ा आंदोलन पूरे देश में चलाया था, जिसमें करीब 3 लाख लोग जमीन के आंदोलन में करीब 3 लाख लोगों ने अपनी गिरफ्तारी दी थी और उत्तर प्रदेश उसमें सबसे ज्यादा अग्रणी 1.5 लाख लोग केवल उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार हुए इस आंदोलन में। और यह आंदोलन अंबेडकरी मिशन का सबसे बड़ा आंदोलन था देश में। उस समय दलित पैंथर ने भी पूरे देश में एक अपनी उपस्थिति बना रखी थी और अंबेडकरी मिशन का एक जमीन तैयार हुई उत्तर प्रदेश में और बहुत उर्वरा जमीन पैदा हुई। लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेस ने रिपब्लिकन पार्टी को तोड़ दिया, सारे लोग तितर बितर हो गए, कुछ लोगों ने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया, कुछ लोग निष्क्रिय हो गए। ये वही उर्वरा जमीन थी, राजनीतिक रूप से उत्तर प्रदेश की वही उर्वरा जमीन थी जिसपे कांशीराम जी ने अपनी फसल लगाई। निश्चित रूप से मानिए कि अगर ये पारसनाथ मौर्य जैसे लोगों की टीम उत्तर प्रदेश में न रही होती तो शायद इतनी आसानी से उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार न बन पाती। बाद में बहुजन समाज पार्टी में पारसनाथ मौर्य जी शामिल हुए, पिशावर का आयोग का चेयरमैन बनाया गया। लेकिन हम लोगों को खलता था कि केवल पिशावर आयोग का चेयरमैन ही क्यों बनाया गया। पारसनाथ मौर्य जी में बड़ी मेरिट थी राजनीति के लिए, बड़ी ऊंचाइयों तक जाना था हमको, लेकिन उनकी जो कमी थी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का उल्लेख करने की और उनके मिशन का उल्लेख करने की, यह लोगों को हजम नहीं होती थी। वो चाहे बसपा के शीर्ष नेतृत्व के लोग रहे हों और चाहे समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लोग रहे हों, यही कारण है कि पारसनाथ मौर्य जी राजनीति में ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाए जिस मंजिल पर उन्हें जाना था। बाद में आपको पता है कि अंबेडकर महासभा कुछ दिनों के लिए बंद हो गई थी, एक विवाद हो गया था यहां पर। वास्तव में इसका प्रबंधन पूरी तरह से प्रबंधन में हमारे कार्यकारिणी में सारे ब्यूरोक्रेट्स ही थे, 2-4 हम लोग सामाजिक क्षेत्र परिक्षेत्र के थे और सारे के सारे
ब्यूरोक्रेट से, सब आईएएस थे या आईपीएस थे हमारी कारखानी में। और एक दौर ऐसा भी था, हम लोगों ने देखा था कि उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल की जो बैठक होती थी उसमें उतनी हलचल और उतनी गाड़ियां नहीं दिखाई पड़ती थी जितनी अंबेडकर भाजपा की कार्यकारिणी की जब बैठक होती थी, तो यहां से लेकर के बीजेपी ऑफिस तक लाल बत्ती और हरी बत्ती की गाड़ियां खड़ी होती थी और लगता था कि आज अंबेडकर भाजपा की कार्यकारिणी की बैठक थी। और राजनीतिक आधार पर कुछ ब्यूरोक्रेट्स अधिकारियों ने इस पे अपनी राजनीति यहां से चलानी शुरू की, जिसके कारण विवाद हुआ, टूटन हुआ और पारसनाथ मौर्य की मजबूती के साथ खड़े हुए। बाद में हम लोगों ने मिलकर के इसको न्यायालय के माध्यम से फिर विजय हासिल की। बहुत बड़ा उनका योगदान रहा है। पारसनाथ मौर्य जी मिशन के एक बहुत बड़े योद्धा थे और पिछले वर्गों के लिए, दलितों के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी न्योछावर कर दी। मैं उनके परिनिर्वाण पर श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं और उनकी स्मृतियों को बनाए रखने के लिए अंबेडकर महासभा में बाबा साहब माननीय पारसनाथ मौर्य जी की एक फोटो यहाँ, जो हमारे दलित संत और महापुरुष हैं, उसमें माननीय पारसनाथ मौर्य जी की भी एक फोटो यहाँ पर लगाई जाएगी। और इसके साथ ही साथ बंते प्रज्ञानंद जी की भी एक फोटो मंगा करके यहाँ पे लगा दी जाए। और हम लोग आने वाले दिनों में जब भी समय मिलेगा किसी अवसर पर पारसनाथ मौर्य जी और उनके संघर्ष पे चाहेंगे कि एक सेमिनार भी हम लोग आयोजित करें, एक बड़ा सेमिनार आयोजित करें, जिससे उनके उनकी जो सोच थी, जो उनका कारमा था, उसको आगे बढ़ाया जा सके। इसी बात के साथ मैं पुनः श्रद्धांजलि दे सकता हूँ। समापन भी करेंगे।